वही होगी जो इस्लाम के साथ खड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तारीख लब्बा की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान पूरे आबोताब के साथ आफ्ताब की तरह चमकती हुई इस मैदान अमल में उम्मत मुस्लिमों को पैगाम दे रही है। सुनो ऐ मुसलमानों, अगर अपने दीन की इबादत करना चाहते हो तो ग्रेन के साथ खड़े हो जाओ, लब्बैक या रसूलल्लाह के साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारी मां की इज्जत भी सलामत रह जाएगी, बहनों की इज्जत भी सलामत रह जाएगी और दीन भी बच जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बातें हैं। तो फिर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इन जुल्मत के अंधेरों में आपने इस्लाम का परचम बुलंद किया, फरमाया बेटी वो चीज नहीं है जिनको जिंदा दफन किया जाए, जो बेटियों की परवरिश करेगा वो क्यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह खड़ा होगा। और जो अपनी वालिदा के कदमों की कदर जान लेगा अल्लाह उसे इनाम में जन्नत अता फरमा देगा। और जो ये बंदा चाहते हैं कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं राजी, वो अपने वालिद को देख ले, अगर उसका वालिद उससे राजी है तो उसका रब भी राजी है। तो यही बातें हम बताने के लिए आपके सामने मैदान अमल में आए हैं, वरना बताओ हमें क्या जरूरत थी। मैं मस्जिद का इमाम हूँ, हमारे सारे अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला मस्जिद के इमाम थे, अलामा साद हुसैन रिजवी मस्जिद के इमाम है, हमें क्या जरूरत पड़ी। हम नमाजें पढ़ाए, जुमे पढ़ाए, नजराने ले, सदके खाए, हमें क्या जरूरत पड़ी रोडों पर आने की। मैंने कहा ना ना, दीन पर मुश्किल वक्त आया है, हमसे अब ये बेगैरती नहीं होती, हमसे ये गद्दारी नहीं होती कि हम मुझे भी बैठे रहे, हम मस्जिद में बचाते रहे, हम अपनी खानकाएं बचाते रहे और गद्दार हुजूर का दीन लूट कर ले जाए। ये नहीं होगा जब तक हुजूर का एक उम्मती भी जिंदा है, इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। यही बातें जुदा सल्तन से जुदा। तकरीर हुई आपके सामने, हमने कोई खिताबाना जुमले नहीं रखे, बल्कि ये हकीकत है उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। ये ना हो ये वक्त भी हाथ से निकल जाए, ये ना हो कि ये क़यादत भी हमारे हाथ से निकल जाए। आज हमें मुखलिस लोग मिले हैं, सारा कुछ ये बर्दाश्त करते हैं, सड़कें ना बनाओ हमें कबूल है, पानी नहीं आता हमें कबूल है, महंगाई और ज्यादा करो हमें कबूल है, लेकिन नमो से इंसान पर गद्दारी हमें कबूल नहीं है। इसलिए हम मैदान में आए हैं और आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि वक्त बड़ा गुजर चुका है, अब इधर तो ना देखें, अपने कान बंद कर दे और अपनी आंखें कदम मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखे, हुजूर के कदम थाम कर पूरे मैदान में निकले कि अब अगर हम किसी का साथ देंगे तो वो एक ही चीज है, वो हुजूर का दीन है। अब हम जिसके साथ खड़े होंगे वो एक ही बंदा है, वो कौन है, वो हुजूर का वो